other than isolation distance, removal of off types plants is also an important operation. जैसे कि आप लोग जानते हैं सीड हेतु एनिमल्स उगाने में यह आवश्यक है कि आइसोलेशन मेंटेन करने के साथ आपको ऑफ टाइप प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट विच शो एबनॉर्मलिटी देन द हेल्दी प्लांट्स, स्वस्थ पौधों के अलावा ऐसे पौधे जो उनसे मिलते जुलते नहीं तथा एबनॉर्मलिटी कुछ खराबी उनमें आ जाती है, उनको फील्ड से हमेशा हटाते रहने चाहिए जिससे हमारा प्योर सीड जो है वो हेल्दी हो. विच शुड बी डन एंड इट्स द आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट्स इज डन बिफोर फ्लावरिंग और फ्लावर ओपनिंग, क्योंकि अगर आप इससे हटा देंगे तो आपका खराब बीज जो है वो अच्छे बीज में मिलने से बच जाएंगे. सो इट इज नेसेसरी टू डू फॉलो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट्स. सीड कलेक्शन शुड बी डन एट प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज. सीड कलेक्शन जो सीड का संग्रहण है, बीज का संग्रह है, एक निश्चित मैच्योरिटी स्टेज पे करना चाहिए. उसके बिफोर अगर आप करेंगे तो सीड जो है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं रहेंगे और उनसे अच्छा जमाव नहीं होगा, जर्मिनेशन भी नहीं होगा और वो ख़राब समझे जाएंगे. सो इट शुड बी डन एट प्रॉपर स्टेज बिफोर स्प्लिटिंग ऑफ सीड पार्ट्स. जो आपके सीड पार्ट हैं जिनमें कि बीज बनता है, सीड पार्ट हैं उनको फटने से पहले प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज पे तोड़ लेना, कलेक्शन कर लेना चाहिए जिससे आपके बीज जो हैं वो बाहर खराब होने से बच जाएंगे हर तरह से और उनका डिस्ट्रॉयनेशन भी नहीं होगा. सीड्स आर जनरली थ्रेस्ड बाई हैंड, मोस्टली अधिकतर सीड्स जो हैं वो हाथ द्वारा तोड़े जाते हैं पार्ट्स को और उनके बाद उससे निकाला जाता है. विनोड और उनकी ओसाई की जाती है, पार्ट के बाहर निकाल करके टोकरी वगैरह में भर के ओसा लेना चाहिए, विनोड कर लेना चाहिए, क्लीन एंड स्किन तथा उनकी सफाई करके छटनी कर लेनी चाहिए. सीड शुड बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन ड्यूरिंग स्टोरेज. संग्रहण के पहले उन्हें किसी कीटनाशक से ट्रीट कर लेना चाहिए जिससे संग्रह करते समय सीड में किसी तरह से कीड़े वगैरह का आक्रमण न हो. सीड्स आर पैक्ड इन मसलिन बैग्स, बीजों का संग्रह जो है वो मसलिन बैग किसी कपड़े के थैले में किया जा सकता है. विद सिल्का जेल, सिल्का जेल के साथ किसी कपड़े के थैले में किया जा सकता है अथवा एयर टाइट टिन्स में, एयर टाइट टिन के डिब्बे में अथवा ग्लास जार में, बोतल में, एयर टाइट बोतल में किया जा सकता है. कार्डबोर्ड बॉक्सेज कैन आल्सो बी यूज, आजकल गत्ते आते हैं जो कि उनका भी उपयोग किया जा सकता है. देयर आर सम डिफिकल्टीज इन सीड प्रोडक्शन बिजनेस ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स. ऑर्नामेंटल जो हमारे शोभाकारी फसलें हैं उनमें बीज उत्पादन में कुछ कठिनाइयाँ हैं. इन कंपेरिजन टू वेजिटेबल और फील्ड क्रॉप, जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं अथवा सब्जी वाली फसलें हैं उनकी अपेक्षा जो हमारे ऑर्नामेंटल क्रॉप हैं उनके बीजों को उत्पादन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं. बिकॉज द डिमांड ऑफ एनिमल्स इज नॉट वेरी लार्ज, अवेयरनेस जो है वो एनिमल्स के पास बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए. एंड सीड्स स्मॉल इन साइज, तथा एनिमल्स के जो फ्लावर के बीज होते हैं वो छोटे होते हैं. विच डज नॉट परमिट द यूज ऑफ मशीन, जिसके कारण मशीन वगैरह का उनके हैंडलिंग में, उन्हें टेकअप करने में बहुत कम प्रयोग होता है, नहीं के बराबर प्रयोग होता है. दस द कास्ट ऑफ हैंडलिंग एंड पैकिंग इज कम हाई, इस प्रकार से उनका रख रखाव तथा उनके पैकिंग जो है काफ़ी कास्टली हो जाती है और बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं.